हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गायत्री मेकओवर। और आज की वीडियो में आपसे शेयर करूंगी होम रेमेडी। जैसा कि हम सभी जानते हैं, होली खेलने के बाद हमारे फेस पर कलर्स जो है लगे रहते हैं, कितना भी फेस वॉश कर लो छूटते नहीं है, हल्के फुल्के लगे रहते हैं। तो उसके लिए मैं आपको आज एक होम रेमेडी यूज़ करने वाली, जो कि मैं खुद के चेहरे पर यूज़ करूंगी। तो मैंने सोचा आप लोगों को भी शेयर करूँ इस चीज़ को, क्योंकि कल होली थी तो सभी लोगों ने खूब इंजॉय किया होगा, काफ़ी पक्के पक्के और गहरे कलर से खेला होगा। बट मैंने तो सिर्फ गुलाल से खेला है, उसी का थोड़ा सा। देखिए अब मेरे फेस पर ये पिंक कलर अभी भी है बाकी, तो मैं इसके लिए स्पैक है वो यूज़ करूँगी। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो में कि हम लोग हमारे फेस पर जो फेस कलर रह जाते हैं उनको किस तरीके से रिमूव करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं होम रेमेडी। तो यहाँ पर मैंने लिया है बेसन, ये है टमाटर का जूस जो कि मैंने कद्दूकस करके लिया है, और ये है नींबू का रस। हमें सिर्फ ये तीन चीज़ें चाहिए जो कि हमारे फेस को बिल्कुल क्लीन कर देंगी और जो भी हमारे फेस पर कलर वगैरह लगे हैं वो उनको रिमूव कर देगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक चम्मच, एक फेस के लिए हम लोग बना रहे हैं तो उसी के अकॉर्डिंग लेंगे। एक चम्मच मैंने बेसन लिया है और उसके बाद हम लोग एक चम्मच टमाटर का जूस ले लेंगे। कद्दूकस करेंगे तो बहुत आसानी से तैयार हो जाएगा ये पेस्ट। उसके बाद हम लोग आधा चम्मच जो है नींबू का रस लेंगे, इस तरीके से, इतना काफ़ी रहेगा। और इसको अच्छे से पेस्ट बना लेंगे। अगर हमें लगता है कि हमें और थोड़ा पतला करना है तो उसके बाद हम लोग इसमें या तो गुलाब जल डाल सकते हैं या फिर टमाटर का जो पेस्ट है वो भी मिक्स कर सकते हैं थोड़ा सा। और बाकी मेरा बिल्कुल ठीक बन गया है ये, इससे ज़्यादा पतला नहीं करेंगे क्योंकि फिर फेस पर टिकेगा नहीं। बहुत ही अच्छा वर्क करेगा ये हमारे फेस पर, सारे जो भी हमारे फेस पर कलर वगैरह या कुछ भी प्रॉब्लम्स है, और ये हमारे फेस को फेयरनेस भी देगा। नॉर्मली में भी हम लोग इसे यूज कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि हम लोग इसे कलर के लिए ही यूज करें स्पेशली, नॉर्मली भी यूज कर सकते हैं। तो चलिए लगाती हूँ मैं अपने फेस पर। तो यहाँ पर हम अपने बालों को अच्छे से बांध लेंगे ताकि उनमें प्रॉब्लम ना हो। और जो मैंने फेस पैक तैयार किया था इसको एक ब्रश की हेल्प से, फेस पैक ब्रश आते हैं मार्केट से या फिर हम उंगली से भी अप्लाई कर सकते हैं, तो इस तरीके से पूरे फेस पर अप्लाई कर लेंगे। और कम से कम 15-20 मिनट के लिए से, जब तक ये थोड़ा सूख जाता है उसको छोड़ देंगे। इस फेस पैक को हम नॉर्मली भी यूज कर सकते हैं अपने फेस पर, काफ़ी अच्छा ग्लोइंग फेस पैक है। अगर ऑयली स्किन वाले हैं या पिंपल्स वगैरह हैं तो इस फेस पैक को यूज कर सकते हैं। अगर ड्राई स्किन वाले भी इसे यूज करते हैं तो इसमें थोड़ा सा मिल्क वगैरह यूज कर ले, मिला ले, या फिर शहद भी मिला सकते हैं, ग्लिसरीन वगैरह, तो ड्राई स्किन के लिए बहुत ही अच्छा फेस पैक बन जाएगा ये। बट ऑयली स्किन के लिए मैं भी बता रही हूँ। कलर्स वगैरह उतारने के लिए नॉर्मल सभी स्किन वाले से लगा सकते हैं, एक बार लगाने से तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सिर्फ हम हमारे जो फेस के जो कलर्स वगैरह हैं बस वही रिमूव करने हमें आज, तो इसे कोई भी लगा सकता है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। इस तरीके से हम पूरे फेस पर इसे अप्लाई कर लेंगे और 15-20 मिनट के लिए इसे छोड़ देंगे। उसके बाद मैं फेस वॉश करके आपको दिखाती हूँ 15-20 मिनट के बाद कि हमारे जो कलर है हमारे फेस पर जो लगे हों कितने रिमूव हुए हैं। तो ये देखिए मेरा फेस पैक अच्छे से सूख गया है और इसे अभी हल्का सा गीला है, तो इसे क्या करेंगे कि अपने फेस पर जो है हल्का सा या तो रोज़ वाटर का यूज़ कर लेंगे या फिर नॉर्मल जो वाटर होता है उसका यूज़ कर लेंगे, अपने हाथों पर लेंगे। यहाँ पर मैं नॉर्मल वाटर का यूज़ कर रही हूँ, तो हल्का सा इस तरीके से गीला करेंगे फिर से, और 5 मिनट के लिए हल्की हल्की सी राउंड में इस तरीके से मसाज करेंगे पूरे फेस पर। ओनली 5 मिनट्स के लिए मसाज करेंगे और उसके बाद जो है अपना फेस को अच्छे से साफ कर देंगे पानी से। मैं आपको साफ करके दिखाती हूँ। ये देखिएगा मेरा फेस एकदम क्लीन हो गया है। और अगर आपको लगता है कि हमारा कलर अभी हल्का फुल्का रह गया है, क्योंकि कई बार होता है कि काफ़ी गहरे कलर जो है हमारे फेस पर लगे होते हैं और लगता है कि अभी नहीं छूटे हैं, तो एक दो बार फिर से इसी फेस पैक को नेक्स्ट डे हम लोग यूज़ कर सकते हैं और अपना फेस एकदम क्लीन कर सकते हैं। ये देखिए मेरा हल्का सा, बिल्कुल यहाँ हल्का सा रह गया है जो कि मैं कल फिर से दोबारा करूँगी, बाकी सब कुछ एकदम क्लियर निकल गया, ये देखिएगा इधर से। और इस फेस पैक से हमारे फेस पर ग्लोइंग भी आती है और बहुत ही अच्छा फ्रेशनेस फील होती है, तो काफ़ी अच्छा फेस पैक है, आप लोग यूज़ करिएगा ज़रूर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच, बाय।